हाँ जी तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से कैसे सोल्व होते हैं तो इसका एक सिंपल सा फंडा है यार आप लोगों ने बचपन में एक फॉर्मला पढ़ा था कौन सा पढ़ा था स्पीड डिस्टेंस और टाइम को रिलेट करने वाला एक फॉर्मूला पढ़ा था सिर्फ उस फॉर्मूले का यूज होगा केसेज बना के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखेंगे सब कम से कम थ्योरी के अंदर आराम से काम हो जाएगा तो कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था जो आपको किसी भी डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगता है वो लगता है वो टोटल डिस्टेंस कितना है और आपको उस डिस्टेंस कवर करने में एवरेज स्पीड कितनी रही थी फॉर एग्जाम्पल आप किसी घूमने जा रहे हो पिकनिक विकनिक के ऊपर 200 किलोमीटर आपका डिस्टेंस और आपने गाड़ी की एवरेज स्पीड रखी 50 किलोमीटर पर आवर तो ध्यान देखना यूनिट भी सीखो दिस इज़ 200 किलोमीटर एंड दिस इज़ 50 किलोमीटर पर आवर अपौन के अपौन वाली चीज़ ऊपर चली जाती है किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा फिफ्टी फोर जो हंड्रेड और आवर चला गया ऊपर तो आपको जर्नी को कम्प्लीट करने में टाइम लगेगा फोर आवर का ये चीज आपने सीखी है ना बस इसी का यूज करना है। उस के अंदर। बड़ा वन से पढ़ना चालू करते हैं किलोमीटर है। कवर करने हैं मान लिया जी करने होंगे एट यूनिफॉर्म स्पीड देखो यहां पे यूनिफॉर्म स्पीड क्यों दी हुई है पहली बात तो यूनिफॉर्म पहनने वाली नहीं है यूनिफॉर्म मतलब इक्वल स्पीड सेम स्पीड रखते हुए किया गया हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि स्पीड हमेशा सेम हो ऊपर नीचे होती लेकिन आपकी प्रॉब्लम को ईजी करने के लिए मान लिया जाता है कि हम एवरेज स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें सेम चल रही है फ्लक्चुएशन को आप छोड़ दो ठीक है क्योंकि वो हम अभी नहीं कर पाएंगे वो फिजिक्स फिजिक्स वगैरह पढ़ोगे सीनियर क्लास में तब जाके आप कर पाओगे इस चीज को इफ स्पीड हैड बीन फाइव किलोमीटर पर आवर मोर वुड अंदाजा लगा रहे हैं क्या एक ट्रेन थी ट्रेन यहाँ से वहाँ तक पहुँची थ्री सिक्सटी किलोमीटर दूर अपने डेस्टिनेशन पे वहाँ ड्राइवर बैठ के बात कर रहे होंगे आपस के अंदर बोले यार अगर मैंने ना स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दिया होता फाइव किलोमीटर ही बढ़ा दिया होता ना एक घंटे पहले आ जाता मैं मेरा यहाँ पे खुद सोचो अगर उसने स्पीड को बढ़ाया होता तो ऑब्वियसली टाइम कम लगता उसी की वो बात कर रहा है तो आपको क्लियरली दो चीज़ें समझ में आ रही है क्या कि यहाँ पे दो केसेस की बात चल रही है कौन कौन से केस एक केस तो वो जो कंप्लीट हो चुका है कि वो किसी स्पीड से गया होगा और कुछ टाइम लगा होगा उसको फिर बैठ के दूसरा केस वो याद कर रहा है अरे यार अगर मैंने बढ़ा दिया होता तो यहां पे टाइम कम लगता तो दो केसेज को अलग अलग पकड़ लो ठीक है तो यहां पे अगर आप देखो केस वन की बात करें और सेकंड लेते हैं केस टू तो केस वन में भी आपको डिस्टेंस और स्पीड और टाइम तीनों चीजें पता करो केस टू में भी आप डिस्टेंस स्पीड और टाइम पता करो और बहुत ईजीली क्वेश्चन हो जाएगा कैसे केस वन डिस्टेंस कितना कितना डिस्टेंस चला बोले सर जर्नी में थ्री सिक्सटी किलोमीटर चला ओके okay. अब मुझे खुद बताओ क्या जो उसने सोचा है कि यार अगर मैंने बढ़ाया होता तो टाइम कम लगता तो क्या डिस्टेंस भी कम करी उसने नहीं उसने सेम जर्नी की बात की कि यार ये थ्री सिक्सटी किलोमीटर ही स्पीड बढ़ाने पे कम टाइम में कंप्लीट हो गए होते ठीक है तो इसका मतलब क्या हो गया आपका और लिख भी रखा है फॉर द सेम जर्नी उसी जर्नी की तो डिस्टेंस यहां भी क्या रहेगी सर 360 किलोमीटर ही तो रहेगी ओके जी पहले केस में जब नॉर्मली आया तो उसने बोला कि इसने डिस्टेंस कवर की है थ्री सिक्सटी में एट अ यूनिफॉर्म स्पीड कोई यूनिफॉर्म स्पीड होगी तो इसको अज्यूम करो तो हमने मान लिया जो स्पीड थी केस वन में दैट इज एक्स किलोमीटर पर आवर ब्रैकेट में लिख दो तो लेट क्योंकि हमने मानी है ठीक है ओके सेकंड केस में जब वो बैठ के सोच रहा है कि यार मुझे मैंने स्पीड को बढ़ाया होता तो खुद सोचो अगर बाई चांस पहले 50 की स्पीड पे चल रहा होगा वो ठीक है बाद में बोला मैंने 5 किलोमीटर से बढ़ाया तो 50 प्लस फाइव फिफ्टी हो जाता होता तो 60 प्लस फाइव करते 70 होता तो 70 प्लस फाइव करते और अगर x थी तो अब स्पीड कितनी हो गई x प्लस फाइव किलोमीटर आवर हुई कि नहीं हुई हाँ जी बिल्कुल होगी ठीक है ओके हमें स्पीड निकालनी है ये एक्स की वैल्यू ही हमें निकालनी है क्या टाइम दे रखा है पहले वाले केस पर बोले नहीं दे रखा क्या दूसरे केस में दे रखा है बोले नहीं दे रखा कोई बात नहीं हम निकाल लेंगे आप खुद बताओ क्या मैं इसको डी और इसको डी लिख सकता हूँ हाँ सर लिख सकते है? दोनों सेम ही तो है क्या मैं इसको एस वन और इसको एस टू लिखूँ हाँ सर बिल्कुल लिखो दोनों को ऐसा लिखोगे कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कौन से की बात कर रहे हो ठीक है डी में तो कोई दिक्कत नहीं है ओके टाइम का सेम लग रहा है अलग अलग लग रहा है नहीं सर टाइम अलग अलग लग रहा है वो एक घंटे का फर्क पड़ रहा है बोल रहा है वो अच्छा तो इसको मैं टी वन मान लू इसको टी टू मान लू मान लो कोई दिक्कत नहीं है आप टी वन की वैल्यू बताओ तो क्या डिस्टेंस के अपोन में स्पीड करूंगा तभी तो टाइम निकलता है ठीक है तो ये हो गया आपका थ्री सिक्सटी अपोन एक्स यहाँ टाइम कितना लगा बोला सर हाँ जी जी देख लो डी अपोन एक्स टू कितना हो गया दिस इज थ्री सिक्सटी अपोन एक्स प्लस फाइव ओके लिख दिया सर लिख तो दिया इक्वेशन कहां से बनाएं ओके इक्वेशन के लिए कुछ तो दे रखा होगा में हाँ दे रखा है क्या दे रखा है यार वो ये कह रहा है कि एक घंटा कम लगता अब खुद बताओ एक घंटा कम कहां लग रहा है यहां लग रहा है कि यहां लग रहा है सर यहां पे स्पीड इंक्रीज करी है टाइम कम लग रहा है एक घंटा कम ये है अच्छा स्पीड इंक्रीज और खुद देख लो डिनोमिनेटर में वैल्यू इंक्रीज हुई तो वैल्यू कम होगी और ऑब्वियसली दिख रहा है यार स्पीड को बढ़ाया तो आप लिख सकते हो कि स्पीड तो इंक्रीज हुई है अपने लिए लिख लिया करो चीजों को क्योंकि आपको भी क्वेश्चन सोल्व करना है तो कुछ इंडिकेशन लगा होगा आपने स्पीड को इंक्रीज किया है तो ये वाला टाइम कम होगा कि नहीं होगा हाँ ये वाला टाइम कम है मतलब टी वन टाइम ज्यादा है हाँ टी वन टाइम ज्यादा है तो आप पहली चीज तो ये मेंशन कर सकते हो हाँ टी वन इज ग्रेटर देन टू टी टू ये हमें समझ में आया क्वेश्चन में क्योंकि यहाँ स्पीड और यहाँ स्पीड में फर्क है यहाँ स्पीड इंक्रीज करी टाइम कम लगा तो हमने ये लाइन तो लिख सकते हो कि T1 जो है T2 से बड़ा होगा कितना बड़ा होगा सर वन आवर का डिफरेंस दे रखा है मतलब ये टाइम जितना भी लगेगा उससे एक घंटा कम यहाँ लग रहा है अच्छा मतलब दोनों टाइम के बीच में गैप एक घंटे का है बिल्कुल यानी कि जो टी वन माइनस टी टू है ये वन आवर है ये बात किस किस को समझ में नहीं आई नहीं आई दोबारा देख ले बेटा उस चीज़ को ये घंटा कम लगेगा ये टाइम कम लग रहा है क्योंकि स्पीड इंक्रीज़ कर रही है स्पीड बढ़ा गाड़ी की जल्दी पहुंच जाएगा कितना जल्दी पहुंचेगा एक घंटा पहले पहुँचा ये एक घंटा कम है ये घंटा ज्यादा दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस दे रखा है यही आपकी इक्वेशन है समझ रहे हो यही आपकी इक्वेशन होगी क्वेश्चन को समझना सीखो इस चीज को नोट कर लो फटाफट से फिर आगे चलते हैं ठीक है तो यहां से अपन को एक बात पकड़ में आ गई कि T1 वन माइनस जो है वो वन है ठीक है तो इस इक्वेशन में T1 की वैल्यू पुट कर क्या है T1 की वैल्यू ये रही तो मैं T1 की जगह लिखूंगा 360 सिक्सटी अपोन एक्स फिर माइनस का साइन है T2 की जगह लिखेंगे अपन थ्री सिक्सटी अपोन एक्स प्लस फाइव और इज इक्वल टू वन अब इसको आपको सोल्व करना है सोल्व करना है थोड़ा स्मार्ट तरीके से आना चाहिए क्या तरीका कॉमन लो अच्छा जी कॉमन ले ले लो थ्री सिक्सटी कॉमन आ रहा है दोनों में बिल्कुल आ रहा है तो यहाँ वन अपोन एक्स बचेगा यहाँ वन अपोन एक्स प्लस फाइव बचेगा इज इक्वल टू वन होगा समझ गए इस बात को अब क्या करना है अरे एलसीएम लो ना यार ठीक है चाहे एल हो चाहे टेक्नोमेट्री कुछ भी हो अगर रेशनल फॉर्म में दिख रहे हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन तो एल्सीियम लो तो एल्सीियम क्या आएगा डिनोमेटर को मल्टीप्लाई कर दो सिंपल एल्सीयम एक्स और एक्स प्लस फाइव भाई एल्सियम यही तो होता है जब थ्री और फाइव एल्सियम लेना हो तो मल्टीप्लाई करके ले लेते हैं ना ले लो मल्टीप्लाई इस पूरे को इससे डिवाइड करिए हट जाएगा ये बचेगा इसको वन से मल्टीप्लाई किया यही तो होता है एल्सीयम डिवाइड बाई डिनोमिनेटर फिर माइनस का साइन इस पूरे को इससे डिवाइड किया ओनली एक्स बचेगा मल्टीप्लाई वन एंड दिस इज थ्री सिक्सटी एंड इज इक्वल टू वन से एक्टर कटेगा ठीक है यहां बचेगा ओनली फाइव प्लस मत कर देना थ्री सिक्सटी में ठीक है हो क्या रहा है कि 360 के साथ ब्रैकेट में क्या क्या बचा सर ब्रैकेट में ऊपर तो बचा फाइव और नीचे बचा एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू वन क्रॉस मल्टीप्लाई करिए उधर चला जाएगा इधर ये बचेगा ये जब उधर जाएगा तो ऐसे कैसा लिखा जाएगा मैं ब्रैकेट ओपन कर दू डायरेक्ट तो उधर लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स और इस साइड रहे, रहेगा थ्री सिक्सटी मल्टीप्लाई फाइव सर ऐसे कैसे कर दिए ये तो उधर था ये इधर था तो पलटने में क्या दिक्कत आ रही है हम हाँ उधर की चीज़ को कैसे पढ़ता x इन टू मतलब एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी मल्टीप्लाई फाइव पढ़ने में तब भी वही आ रहा है ना तो ऐसे उठा के पलटते हो साइन में कोई गड़बड़ नहीं होती अब इसकी वैल्यू को आप इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर ठीक है प्लस का फाइव एक्स और माइनस का मल्टीप्लाई करके लेके आ जाए इसको ये हो जाएगा पाँच झगड़ा तीस तीन पांच पंद्रह तीन अट्ठारह इज इक्वल टू जीरो इसको आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके आपकी वैक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन कर सकते हैं खुद से ठीक है खुद से बेटा जी इस चीज को कर लेना एक्स स्क् प्लस फाइव एक्स माइनस एटीन हंड्रेड ये आपकी हो गई इक्वेशन इसको आपको सोल्व करना है एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है बहुत बढ़िया बात है नेगेटिव आ रही है डिस्कार्ड कर देना क्योंकि ऑब्वियसली एक्स की दो वैल्यू तो निकलेंगे निकलेंगे ठीक है ना क्यों निकलेंगे दो वैल्यू क्वान्टिटी का तो ये सोल्यूशन करना आपका काम सेकेंड एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स वन आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन हाँ है तो ओब्वियस चीज है यार पैसेंजर ट्रेन बेचार को पीटते रहते हैं एक्सप्रेस ट्रेन को जल्दी निकाल देते हैं तो एक घंटा कम ले रही है ओके टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर बेंगलोर मतलब मैसूर और बैंगलोर के बीच में दो टाइप की ट्रेन चलती है एक एक्सप्रेस ट्रेन चलती है एक पैसेंजर ट्रेन चलती है दोनों डिस्टेंस सेम कवर करती है लेकिन दोनों की स्पीड में फर्क है उसी वजह से टाइम में फ़र्क हो गया अच्छा समझ में आ रहा है चीज़ इफ़ एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज एलेवन किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन दे भी दी इसने कि एक्सप्रेस की स्पीड क्या है ज़्यादा है ठीक है दोनों की स्पीड निकालो तो यहां मैं लिखता हूं एक्सप्रेस ट्रेन और यहां लिखता हूं पैसेंजर सर क्या एग्जाम में भी ऐसे लिख सकते हैं थ्योरी लिखनी पड़ेगी वो बच्चों वाली थ्योरी नहीं लिखनी है जो सेवंथ एट्थ में लिखते थे लाइन में लेट द स्पीड ऑफ दिस 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 वो नहीं लिखना ऐसे करा करो वर्टिकली काम करो तो इस केस में एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन की बात करते हैं सबसे पहला डिस्टेंस कितना कवर होगा सर इसमें डिस्टेंस दे रखा है वन किलोमीटर और ये भी बेचारे को वन किलोमीटर ही चलना पड़ेगा क्योंकि स्टेशन तो सेम ही है मैसूर और बेंगलोर के बीच में इसकी स्पीड और इसकी स्पीड सर इसमें बोला है कि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 11 किलोमीटर ज़्यादा है तो दो तरीके आपके पास मानने के अगर आपने इसको बोला कि ये 100 है तो ये हंड्रेड इलेवन होगा एक तरीका दूसरा तरीका यानी कि अगर आपने इसको एक्स माना तो आप इसको एक्स प्लस इलेवन मान सकते हो यहाँ से भी आपको समझ में आ रहा है इसकी स्पीड से ज़्यादा है दूसरा तरीका मानने का अगर आपने इसको एक्स माना भाई जब ये इलेवन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ये इलेवन कम होगी तो आप इसको एक्स माइनस इलेवन भी मान सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसमें कम्फर्टेबल हो वह मानो ठीक है दोनों से आंसर सेम आएगा सर एक्स की वैल्यू डिफरेंट आएगी लेकिन वो एक्स होगा किसके लिए वो फर्क पड़ेगा पहले केस में जो x निकलेगा वो इसके लिए होगा 11 ऐड करने पर ये मिलेगा दूसरे केस में अगर इसको x माना तो x इसके लिए आएगा 11 कम करने पर ये मिलेगा समझ गए तो मैंने लिख दिया x किलोमीटर पर आवर लेट एंड दिस इज x प्लस इलेवन किलोमीटर पर आवर ये लेट करने की यूज जरूरत नहीं क्योंकि हमने लेट उसको किया है इस केस में सारी स्पीड अलग अलग है क्या हाँ तो इसको एस मान लो एस वन इसको एस टू मान लो मान लो इस केस में जो टाइम लगेगा टी वन मान लो इस केस में टाइम लगेगा टी टू मान लो मान लिया टाइम कितना लगेगा सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड ओके 132 अपॉन x 11 ये तो हो गई इसकी इसका टाइम कितना लगने वाला है इसमें टाइम कितना लगेगा वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड 132 अपॉन x ओके पहली चीज कब टाइम कम लग रहा है सर एक्सप्रेस में टाइम कम लग रहा है क्यों क्योंकि फास्ट चलती है ये टाइम कम है ये टाइम ज्यादा है मतलब इस बार टी टू है वो टी वन से बड़ा है ये टाइम ज्यादा है क्यों क्योंकि यहाँ पर स्पीड हुई है इनक्रीज तो यहाँ टाइम हो गया डिक्रीज टी वन हो गया कम टी टू है ज्यादा ओके okay. कितना ज्यादा है कितना कम है आ, कहीं दे तो रखा था यार ट्रेन वन आवर लेस हुए हो एक्सप्रेस ट्रेन एक घंटा कम लेती है ये घंटा कम है ये घंटा ज्यादा है मतलब दोनों टाइम के बीच का गया कितना है वन आवर दे रखा है साफ साफ और हमें गीवन क्या है हमें गीवन है कि टी टू माइनस टी वन इज वन आवर ज्यादा है ये कम है समझ में आ रही बात अब आप क्या करोगे सोल्यूशन कैसे करोगे टी टू की जगह पे रखोगे ये ठीक है वन, 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 वन है यहां से वन थर्टी टू कॉमन लोगे प्रीवियस क्वेश्चन जगह एलसीएम लोगे सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकल के आएगी इजीली कर लोगे ठीक है क्या बन के आती है इक्वेशन खुद बना लेना कोई समस्या थोड़ी है बना सकते इंटेलिजेंट हो यार ठीक है कर लेना इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर वाटर टाइप रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं